हेलो दोस्तों, आइए बारिश के मौसम में कुछ मीठा खाने का मन है तो हम ब्रेड का हलवा बनाते हैं। देखिए, मैंने ब्रेड को क्रश कर लिया है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, उसमें हम अभी देसी घी डालेंगे। गाइस, कंजूसी नहीं करिएगा देसी घी में, हलवा बहुत यम्मी बनने वाला है। ये देखिए, मैंने देसी घी डाल दिया है, अब इसको मेल्ट होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारा देसी घी डाला है। देसी घी से हलवे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें देसी घी इतना डालना है जो हमारे ब्रेड है वो अच्छे से इसमें भुन जाए। मैं इसको सारे घी को इसमें अच्छे से मेल्ट कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी आती है हमारी इसमें अपने ब्रेड डालने की। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारे ब्रेड डाल दिए हैं। मैंने इनको काफ़ी अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया था। अब ये बहुत अच्छे से भुन जाएंगे फ्रेंड्स। आप ऐसे ही लगातार अपने ब्रेड को घी में अच्छे से रोस्ट करिएगा, सारा घी हमारा जो है वो ब्रेड में मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद देखिएगा आप, 1 मिनट या 2 मिनट के बाद देखिएगा कैसे हमारी ब्रेड सारे भुन जाएंगे। अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 ग्लास दूध डाला है। इसको अच्छे से मैं ब्रेड में मिक्स करूँगी। दूध डालने के बाद जो हमारे ब्रेड है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे ब्रेड हैं वो दूध डालने के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें यहाँ पर फ्रेश मलाई डाली है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कोई बाहर से लेके आई हुई मलाई नहीं है, हमारे दूध के ऊपर जो मलाई होती है वही मैंने इसमें डाली है। ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से है जो हमारे ब्रेड है वो दूध में बिल्कुल प्रॉपर मैश हो चुके हैं। हम इसको रेगुलर ऐसे ही चलाते रहे, ऐसे ही आप इसमें इसको ऐसे ही चलाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बारी आती है इसमें चीनी डालने की। मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी का मेजरमेंट लेके इसमें हमने चीनी डाली है। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, आपको कितना मीठा खाना पसंद है। अब फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। चीनी जो होती है फ्रेंड्स, वो थोड़ा पानी छोड़ती है। ये देखिए फ्रेंड्स, वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है चीनी। 2 मिनट लगती है इसमें चीनी मेल्ट होने में। ये देखिए गाइस, अब हम इसको ऐसे ही रेगुलर चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो हलवे का टेक्सचर वो कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपका हलवा है वो कढ़ाई में चिपकता है तो आप इसमें 2 चम्मच देसी घी और डाल दीजिएगा, जिससे हलवा नीचे नहीं चिपकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा हलवा बनके रेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, जो हमारा हलवा है वो काफ़ी अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, बिना ड्राई फ्रूट्स के हमने ये हलवा बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।